हेलो यूट्यूब फैमिली, आज मैंने बनाया है पनीर। इसके आगे मटन चिकन फैले। ये है घिया से बना हुआ पनीर। वाह, ये 1 केजी घिया है, मैंने इसको धो के छील लिया था। कोई भी कटिंग कर सकते हो आप लोग, क्योंकि हम लोगों को तो ये पीसना है मिक्सी में। मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने इसमें 1 कप चावल का आटा, आप अपनी मिक्सी जार में चावल का आटा बना सकते हो। ये छोटा कप दही, 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने और इसको मिला लिया है। मैंने खाली में ऑयल को ग्रीस करके हाथों से ही ग्रीस कर लिया था। जो बैटर मैंने बनाया था उसको फैला लिया है। आप भी ऐसे फुला के इसको प्रेस कर लेना। कोई भी कटोरी बर्तन हो आप लोग ऐसे रख के, इसमें मैंने प्याज, एक टमाटर को कट करके, एक अदरक का लहसुन, 4 हरी मिर्ची, 1 गिलास पानी, बैटर मैंने बनाया था उसको मैं इसमें भाप में पकाऊंगी, स्टीम। इसको 1 घंटा या आधा घंटा ठंडा करना रख देना, ये सेट हो जाएगा। इसको हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था, मैंने इसको इसके साथ मिक्स करके पीस लिया। ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैंने इसमें कट कर दिया है, आसानी से ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा ये। मैंने 1 पली सरसों का तेल लिया है। जब इसमें ये पक जाए तो हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। चुटकी भर हींग ऐड किया है मैंने, हींग से अच्छा फ्लेवर आता है। जो बैटर मैंने बनाया था उसको आप अच्छी तरह भून लेना। भूनने के बाद ये तेल छोड़ देगा, जैसे ये ऑयल छोड़ देगा ना, तो आप लोग इसमें जो मैंने काजू का पेस्ट है, मैंने काजू को भिगोना रख दिया था 1/2 घंटे पहले, उसको मैंने पीस लिया। 1 चम्मच अमचूर है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, स्वाद अनुसार नमक है, ये दूध है 1 कप मैंने इसमें दूध डाला है। दूध से अच्छा फ्लेवर आता है, कलर क्या चेंज हो जाता है, देखना आप लोग। तेल छोड़ दिया है। एक कप पानी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको जितनी थिक रखनी है उस हिसाब से आप बना सकते हो। जो मैंने पनीर बनाया था घिया से, उसको ऐड करो, गैस को स्लो कर लेना, फिर इसको पकाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, बाय।